जय हिंद साथियों, मैं प्रभास पंडित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स बीएससी में। मैं आज बताने वाला हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब मैं 5.7 स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कैसे क्या होगा वो आप जान लीजिए। तो चलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हिंदी मीनिंग होता है द्वितीय आदेश अवकलन। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ जाइएगा द्वितीय आदेश अवकलन। तो क्या है आज का टॉपिक, द्वितीय आदेश अवकलन मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे समझ जाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे समझ जाएंगे द्वितीय आदेश अवकलन। तो देखिए क्या है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले आपको पता है तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स होता है। मतलब डेरिवेटिव किसी भी चीज़ का निकल लीजिए, डी वाई डी एक्स किसी भी चीज़ का निकलता है, डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स के फंक्शन निकलता है। ठीक, अब सेकेंड ऑर्डर मतलब सेकेंड, पहला तो निकला डी वाई डी एक्स निकाले, और दूसरा निकलेगा वही बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक फार्मूला के एक उदाहरण के तहत आपको समझाते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। मान के चलिए एग्जाम्पल साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आपको द्वितीय आदेश अवकलन मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो किस तरह निकालना है वो बात पे गौर कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है साइन एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है, हमको यही निकालना है। ठीक ना, तो देखिए साइन एक्स का कैसे निकलेगा। तो पहले साइन एक्स का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हो गया आपको डायरेक्ट पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन वाई इक्वल टू मान के चलिए साइन एक्स है। ठीक, इसका अवकलन कीजिए एक्स के फंक्शन में, डी वाई बाई डी एक्स हुआ, और साइन एक्स का हो गया आपको कोस एक्स। साइन एक्स का पहले साइन एक्स का फर्स्ट ऑर्डर का अवकलन हुआ डी वाई बाई डी एक्स निकला कोस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका अवकलन करना है, डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन जो कोस एक्स निकला है, और फिर से इसका जो डिफरेंशिएट कीजिएगा वो चल जाएगा आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगेन कर देंगे, मतलब पुनः से इसका डिफरेंशिएट कीजिए, पुनः से हो जाएगा आपको डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है कोस एक्स है। मतलब इसका भी अब यहाँ था वाई, तो वाई का किया डिफरेंशिएशन डी वाई बाई एक्स के फंक्शन में डी एक्स हो गया, और यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, और फिर भी एक्स के फंक्शन में, तो एक्स के फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स के फंक्शन में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। यही होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए फर्स्ट ऑर्डर का, और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, वो हो जाएगा आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इसको सूचित करते हैं, इट इज ध्यान में रख लीजिएगा सेकेंड ऑर्डर को, इट इज डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और जान लीजिए एफ डबल डैश एक्स। ठीक, और वाई डबल डैश, ये जो आपको है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप तीन तरह से लिख सकते हैं, तीन तरह से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर एफ डबल डैश एक्स, इधर हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स हो जाएगा, ना एक्स नहीं, या वाई डबल डैश ही रहेगा, सिर्फ एक्स नहीं, एफ यदि एक्स रहेगा तो वो एफ डबल डैश एक्स में आएगा, और सिर्फ वाई डबल डैश रहेगा आप समझ जाएगा वहाँ हमको डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए या डिफरेंशिएट बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का हिंदी होता है अवकलन। ठीक ना, ये ध्यान में बैठा लीजिए आप लोग, सेकंड और डेरिवेटिव कैसे बनेगा तो आपको बता दिए यहाँ पे। पहले सबसे पहले वो मान के चलिए कोई फंक्शन दिया हुआ, मान के चलिए साइन एक्स दिया हुआ, पहले उसका डिफरेंशिएट कीजिए कोस एक्स, और फिर जो उसका डिफरेंशिएट आया कोस एक्स, और फिर अगेन पुनः उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए कोस एक्स का गया माइनस साइन एक्स, उसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसे हम बताए थे आप डी वाई बाय डी एक्स को एफ डैश
एक्स की तरह और वाई डैश इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है टोटल, ये है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यह है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप पहले आपका डी वाई डैक्स होता था और उसी तरह एफ डैश एक्स होता था और वाई वाई डैश, तीनों एक ही चीज है। आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स के फंक्शन में है तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया सेकंड ऑर्डर में। उसी तरह जहाँ एक डैश था तो यहाँ डबल डैश, मतलब सेकंड ऑर्डर में चल गया। यहाँ एक डैश था तो डबल डैश यहाँ सेकंड ऑर्डर में। फिर मान के चलिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगेगा तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, तो फिर ये जो थर्ड ऑर्डर मान के चलिए थर्ड ऑर्डर मांगेगा आपको। जो मैथ से स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करेंगे आगे चल के बीएससी में, जो मैथ ऑनर्स रखेंगे वहाँ आता है थर्ड, वहाँ पे आ जाता है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन आपको ट्वेल्थ में सिर्फ सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक ही पढ़ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकला है फिर से उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वो हो जाएगा आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो हम आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।